नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं ऋषभ सिंह रावत। आज बात करेंगे स्काई स्टेडियम यानी वेलिंगटन के उस मैदान की बात करेंगे जहां पे टीम इंडिया अगला अपना नया मैच यानी कि फोर्थ T20I मैच खेलेगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अगर इतिहास की बात की जाए तो लास्ट मैच यहां पे बहुत ही शानदार नहीं रहा था टीम इंडिया का। जी हां, उनको 80 रन से हार का सामना करना पड़ा था सेम विपक्षी के सामने, जब न्यूजीलैंड और टीम इंडिया भिड़ी थी फॉर द फर्स्ट T20I। अगर आपको याद होगा 2019 का वो दौरा जहाँ पे ODI में सफलता के बाद T20 में तीनों मैच हारने पड़े थे, लेकिन उस पर्टिकुलर मैच में 219 रन ठोके थे टीम न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, जस्ट बिकॉज टीम सेफर्ड जो वहां के विकेट कीपर है उन्होंने 43 गेंदों पर 84 रन की धमाकेदार पारी खेली। उसके जवाब में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई। जी हां, 139 रन पे उनकी पारी सिमट गई। सबसे बड़ा योगदान आया था महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से जिन्होंने 39 रन स्कोर किए थे। वहीं टीम साउदी जो उनके सबसे ज्यादा सीजन या कह लीजिए एक्सपीरियंस गेंदबाज, उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट भी झटके थे। लेकिन इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटा जाए तो लास्ट मैच यानी कि जो फिफ्थ ODI खेला गया था उसी टूर के जो ODI सीरीज की बात करूं तो वो भी सेम मैदान यानी कि वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला गया था। वहां पे टीम इंडिया ने धराशायी किया था न्यूजीलैंड को। जी हां, बहुत ही शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन फिर भी उस मैच में ऐसा क्या हुआ था और कौन कौन पर्टिकुलरली उस मैच के बाजीगर रहे थे ये मैं बताता हूं आपको। शुरुआत की जाए पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 252 रन पोस्ट किए। जी हां, उसमें अंबती रायडू की शानदार 90 रन की पारी थी। वहीं डाउन द ऑर्डर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आया था हार्दिक पांड्या के बल्ले से। जी हां, एक ताबड़तोड़ एक आक्रामक पारी खेली उन्होंने, महज 22 गेंदों में 45 रन ठोक दिए जिसकी बदौलत टीम इंडिया को एक अबव पार स्कोर पोच करने का मौका मिला। वहीं जब रिप्लाई की बारी आई, जब चेस करने की बारी आई टीम न्यूजीलैंड की, तो वो महज 217 रन ही बना पाई, जिसमें जिमी नीशम, जी हां, जो वहां के सबसे हरफन मौला खिलाड़ी सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो महज 44 रन ही बना पाए। और सबसे शानदार प्रदर्शन अगर गेंद की बात की जाए तो युजवेंद्र चहल, जी हां, यूजी चहल ने 3 विकेट झटके। उनके साथ साथ हार्दिक पांड्या का भी बहुत ही अच्छा ऑलराउंड कॉन्ट्रीब्यूशन था, बल्ले से रन स्कोर करने के बाद भी 2 विकेट अपने नाम किए। उसी की बदौलत टीम इंडिया ने 4-1 से वो ODI सीरीज सील की थी और जो उनका जो परचम था वो लहराया था न्यूजीलैंड के मैदान में। तो था हमारा अपडेट। अब देखते हैं क्या 2-1 से टीम इंडिया इस जो एनकाउंटर को या कह लीजिए ये जो वन ऑफ चल रहा है पर्टिकुलरली स्काई स्टेडियम में वो जीत पाती या फिर धमाकेदार वापसी करेगी केन विलियमसन की सेना इन दी फोर T20I। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।